गुमला पुलिस द्वारा करोड़ों रुपया बरामद किए जाने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गुप्ता बस से 5 बड़े बैग बरामद किए हैं। इस बैग के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि सभी बैग में करोड़ों रुपए भरे हैं। इस मामले में गुमला के SP एहतेशाम वकारिब से बात करने पर उन्होंने बताया कि एक बस से 5 बैग बरामद किया गया है और एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है। बैग को सील कर दिया गया है और आयकर विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई है। आयकर विभाग के अधिकारी की मौजूदगी में ही बैग को खोला जाएगा। और गुमला में 5 को जिसको कंडक्टर ने पहले वहां पर रखा था, हम लोगों ने उसको पकड़ा और उसके चिन्हित किए हुए 4 से 5 बैग था। 4 बड़ा बैग था, एक छोटा हैंड बैग था। उसको उठा के हमने तत्काल अपने उपायुक्त महोदय से बात की और फिर हमने एक SDM प्रतिनिधि कराया और मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि में सभी को सील बंद करके थाना में सुरक्षित रखा गया और इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया गया। इनकम टैक्स के हमारे सीनियर ऑफिसर रांची से आ रहे हैं, आगे की प्रक्रिया जारी है। बस लेगा राजी ठाकुर गांव के बागदा घाटी स्थित जंगल से एक महिला और 2 बच्चों का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गया है। बता दें कि महिला का शव जला हुआ है और घटनास्थल से कुछ दूर पर ही चाकू और चूड़ियों से बांधा एक गमछा भी मिला है। शव देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो किसी ने हत्या करके शव को यहाँ पर फेंक दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और रांची पुलिस ने मामले की जांच के लिए खलारी DSP के नेतृत्व में SIT का गठन किया है। FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। ग्रामीण SP नौशाद आलम ने कहा कि घटना 2-3 दिन पहले की है। सबूत छिपाने के लिए शव को आग के हवाले किया गया है। मामले को लेकर आसपास के जिलों से भी रांची पुलिस संपर्क कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र नौगढ़ ठाकुरगांव जो ट्राई जंक्शन के पास में रामगढ़ और महाजारीबाग रांची जिला के ट्राई जंक्शन में बिल्कुल जरूरी क्षेत्र है। डेड बॉडी 3 है, एक महिला का है जो देखने से समझ में आता है और 2 छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं, 6 से 8 साल के बच्चे हो सकते हैं। पूरी तरह से डेड बॉडी जला हुआ है, आइडेंटिफिकेशन संभव नहीं था। SIT का गठन हम लोगों ने किया है वहाँ DSP खिलाड़ी के नेतृत्व में और TXL के टीम को वहाँ भेजा गया है। ऐसे डॉग स्क्वाड भी वहाँ वर्क कर रहा है, चुके जंगली क्षेत्र है और रांची जिला के इंटीरियर और ग्रामीण क्षेत्र है नौगढ़ ठाकुरगांव जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।